हे गाइज और आई वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। गाइज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप कुछ इस टाइप की डार्क से फोटो को बहुत ज़्यादा वाइट यानी कि बहुत अच्छे से कलर टोन अपनी फेस पर कैसे दे सकते हो, वो भी पिक्सा टाइप का यूज करके। गाइज इस तरह की एडिटिंग काफ़ी सिंपल है और आपको यकीन नहीं हो रहा होगा कि ये एडिटिंग मैंने बहुत जल्दी और इतना जल्दी कैसे कर पाया, तो ये जानने के लिए गाइज आप इस वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को अभी से ही कर दीजिए लाइक। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसे जरूर ऑन करके रखिए। सो विदाउट एनी फर्दर डिले गाइज लेट गेट स्टार्टेड। अंदर ओपन कर लिया है, अभी आप देख पा रहे हो कि गाइज इस फोटो में स्किन टोन आप देख पा रहे हो कि कितना ज्यादा ही डार्क है। ठीक है, तो ये स्किन टोन डार्क नहीं, ये बंदे का स्किन ही इतना डार्क है। तो अगर आप लोगों में से भी किसी का फेस इतना डार्क है या फिर ब्लैक है और बहुत लोग चाहते हैं कि मतलब ऐसा लगे कि एडिट किया हुआ ना हो और एकदम ओरिजिनली में ऐसा लगे कि स्किन आपका डार्क नहीं है, फेयर स्किन है, तो उसको करने के लिए आपको सबसे पहले इस फोटो को सेंड कर देना होगा पिक्स आर्ट ऐप के अंदर। ठीक है, तो पिक्सआर्ट आपको बिल्कुल ही फ्री में प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, आपको डाउनलोड कर लेना है। तो पिक्सआर्ट ऐप के अंदर आने के बाद कुछ इस टाइप से आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। ठीक है गाइस, तो पिक्सआर्ट ऐप के अंदर हम आ गए। उसके बाद आपको टूल्स पे क्लिक करना है या रिसाइज पे क्लिक करना है एंड इस फोटो की जो मैक्सिमम साइज़ है वो आपको पहले रख लेनी है। ठीक है, ये मैं गाइस इसलिए बोल रहा हूँ ताकि इससे आपकी फ़ोटो की क्वालिटी में मतलब कोई फर्क मतलब लॉस ना आए। ठीक है, तो यहाँ पर 2896 ऐसा कुछ था, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने डाल दिया यहाँ पर। तो अभी आप देख पा रहे हो गाइज कि ये स्किन जो है डार्क है काफ़ी ज़्यादा एंड गाइज आपको एक जादू दिखाते हैं, सिर्फ एक क्लिक में आप देखोगे कि आपकी स्किन बिल्कुल ही फेयर हो जाएगी। तो गाइज सबसे पहले जाना है आपको ब्यूटी वाले ऑप्शन के अंदर, यहाँ पे आपको एक स्किन टोन का ऑप्शन मिलेगा, आपको स्किन टोन पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे आप देख पा रहे हो, सिर्फ एक क्लिक करते ही आप देख पा रहे हो कि बिफोर एंड ये देख पा रहे हो आफ्टर, एकदम ओरिजिनली में मतलब कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा है कि फेस जो है पहले से डार्क थी, मतलब पूरा ही फेयर हो गई। तो यहाँ पे स्किन टोन अलग अलग दिए गए हैं, आप देख पा रहे हो ये थोड़ा सा डार्क है, उसके बाद ये है, ये है, ये है, मतलब बहुत सारा यहाँ पे स्किन टोन आपको दिया गया है। तो आप में जो सूट करे स्किन टोन वो आप इजीली रख सकते हो। अगर आप बहुत ज़्यादा ऐसे फेयर रखोगे तो ऐसे पता चलने लग जा रही है कि ये जो है स्किन जो है वाइट किया गया है, तो आप देख पा रहे हो कि ये हमने किया तो मतलब कुछ इस तरीके का लग रहा है। ठीक है, तो आपके स्किन टोन के अकॉर्डिंग जो आप में सूट करे वो आप इजीली रख सकते हो। मेरे ख्याल से इसमें ये भी सही लग रहा है और ये भी सही लग रहा है, तो मैं तो यही वाला रख रहा हूँ, थोड़ा सा डार्क ही चलेगा। एंड यहाँ से गाइज हम इसको अब डन करते हैं। ठीक है, डन कर लेने के बाद गाइज अभी आपको दिखाते हैं बिफोर एंड आफ्टर। ये आप देख पा रहे हो बिफोर एंड ये देख पा रहे हो आफ्टर, देखो हम आपको पूरा जूम करके दिखा रहे हैं, मतलब ये बिल्कुल भी ऐसा लग ही नहीं रहा कि हमने कहीं से भी स्किन को वाइट किया हुआ है। ठीक है, तो गाइज इस वीडियो में हमने आपको सिर्फ स्किन टोन बताना था, बाकी हमने बैकग्राउंड के कलर को चेंज किया था वो इफेक्ट्स में जाके। यहाँ से गाइज आपको एक ऑप्शन मिल जाएगी, कहाँ गई, यहाँ पे आपको एक कलर्स का ऑप्शन मिलेगी, हम कलर्स के ही अंदर हैं। यहाँ से गाइज आपको कलर स्प्लैस का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है एंड कुछ इस तरीके से गाइज आपको अपने फेस को सिलेक्ट कर लेना है, मतलब फेस पे छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ मिन ह्यू को बढ़ा देना है एंड मैक्स ह्यू को थोड़ा सा कम कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे गाइज आप देख पा रहे हो कि बैकग्राउंड पूरा डार्क हो गई, तो बस यही करना था हमें। एक चीज़ की गाइज आपको और भी ज़्यादा यहाँ पे नीड हो सकती है, आप देख पा रहे हो कि अभी लिप्स का कलर जो देख पा रहे हो कि वो भी डार्क है। ठीक है, तो लिप्स का कलर भी है, शायद यहाँ से सही हो जाए, मैं देख लेता हूँ। यहाँ पे आपको कहीं लिप्स दिख रही होगी गाइज, तो लिप्स पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे मेरे ख्याल से पता नहीं, मैंने तो कभी इसमें यूज़ ही नहीं किया हुआ है तो लिप्स का कलर नहीं दिख रहा, तो कोई दिक्कत नहीं गाइज, लिप्स का कलर हम बाहर से भी चेंज कर सकते हैं यानी कि टूल्स वाले ऑप्शन में भी जा कर सकते हैं। तो हम यहां से चलते हैं बैक एंड गाइज यहां से चलते हैं टूल्स वाले ऑप्शन में। यहां से गाइज आपको एडजस्ट पे क्लिक करना है, यहां सेचुरेशन को सिलेक्ट करके सिंपली सेचुरेशन को बढ़ा देना है। ठीक है, बाकी इसकी ह्यू आप देख पा रहे हो यहां पे, तो ह्यू को आपको थोड़ा सा रेड की तरफ रखना है लगभग इतना एंड यहाँ से आपको इरेजर को ले लेना है। यहाँ से गाइज आपको यहाँ से इन्वर्ट पर क्लिक कर देना है, अब अपनी फ़ोटो को जूम करना है कुछ इस तरीके से एंड इसे आपको सिर्फ अपने लिप्स पर चला देना है कुछ इस तरीके से, आप देख पा रहे हो। एंड अभी आप अपने लिप्स भी देख पाओगे कि पहले से ज़्यादा आपकी लिप्स जो है रेड हो गई है, जो कि काफ़ी अच्छा लग रही है, फ़ोटो के साथ बिल्कुल ही मैच कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे गाइज हमने ओवरऑल चला दिया एंड अभी आप देख पा रहे हो कि लिप्स का कलर जो है चेंज होने के बाद कैसा लग रहा है। ठीक है, तो ये आपको कर लेना है। इसकी हालांकि ओपेसिटी, शैडो, ये सब आपको छेड़छाड़ करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, थोड़ी सी कॉन्ट्रास्ट आपको इंक्रीज़ कर लेना है लगभग इतना एंड यहाँ से सेचुरेशन मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा नहीं रखनी है, इतना सही लग रहा है हमको एंड यहाँ से आपको डन कर लेना है।
तो गाइज अभी आप देख पाओगे फोटो में मतलब बहुत ज़्यादा ही चेंज आ गया है बिफोर एंड ये देख पा रहे हो आफ्टर, बिफोर आफ्टर बिफोर आफ्टर, मन कर रहा है देखते जाएं। तो कुछ इस तरीके से गाइज आपको अपनी फ़ोटो के अंदर चेंजेस लाने हैं, कुछ इस तरीके से आप अपने डार्क फेस को वाइट कर सकते हो। बहुत सिंपल सा मेथड था, फिर भी अगर आपको लगे कि आपकी स्किन कम फेयर है तो आपको यहाँ से टूल्स में जाना है, एडजस्ट के अंदर जाना है। यहाँ पर गाइज आपको ब्राइटनेस को सिंपली यहाँ से बढ़ा लेना है एंड सेचुरेशन को थोड़ा सा जो है कम कर लेना है लगभग इतना, एंड यहाँ से आपको इरेजर लेना है एंड यहाँ से आपको फेस पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो ये जो इफेक्ट है पूरे आपके फेस पे अप्लाई हो जाएगा। अभी आप देख पाओगे कि फेस आपकी पहले ऐसी थी, मैं आपको दिखा रहा हूँ फेस आपकी पहले ऐसी डार्क एंड अभी देख पा रहे हो कि वाइट। तो कुछ इस तरीके से गाइज आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो जो हमने बताया वैसा सेम करके। यहाँ पर मैं इसको डन कर लेता हूँ। तो गाइज इस तरीके से आप अपनी फेस को डार्क फेस को वाइट कर सकते हो, काफ़ी आसान था मेथड था। आई होप गाइज ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी एंड बहुत लोगों को फोटो सेव ही करने नहीं आता, तो सिंपली जाना है आपको ड्रॉ टूल के अंदर एंड यहाँ से गाइज आपको इसको PNG कर लेना है। यहाँ से इसको मोड को लेयर को बस मर्ज कर देना है, वो PNG हो जाती है। अब इस 3 डॉट की आइकॉन पर क्लिक करके सिंपली सेव इमेज कर लेना है। तो काफ़ी आसान था गाइज, आई होप गाइज ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड इस वीडियो को गाइज अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि ये ट्रिक बहुत लोगों की काम आ सकती है। सो अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर ऑन करके रखिए। सो आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।